एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का इस वीडियो का टॉपिक है वह बिहार में 2020 में शिक्षक नियोजन से संबंधित है। जैसा कि आपको जानकारी है, इस चैनल पर डीएलएड, बीएड, सीटीईटी, एसटीईटी शिक्षक नियोजन संबंधित एवं अन्य नौकरी संबंधित जानकारी अपडेट की जाती है, आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज जो है हिंदुस्तान पेपर के मुजफ्फरपुर संस्करण में जो निकला हुआ है उसी की जानकारी हम आपको जो दे रहे हैं वहीं स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। या स्वयं आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज एबी जानकारी या टेलीग्राम एबी जानकारी पर जाकर स्वयं आप इसको पढ़ सकते हैं। या फिर आप इसे पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 70 33 74 60 30 पर कमेंट करके आप इसको पा सकते हैं। सीधे समय बिना व्यतीत की हम बता रहे हैं कि आज की जो जानकारी है क्या है, वो पेपर में जो आया हुआ है कि हाई स्कूल में 1000 से ज़्यादा बहाली का खुला रास्ता, और यह जो है मुजफ्फरपुर के पेपर में आज निकला हुआ है। पूरी जानकारी इस प्रकार है कि जिले के अपग्रेड हाई स्कूलों में, जिले मतलब कि मुजफ्फरपुर जिला, ध्यान दीजिए, जिले के अपग्रेड हाई स्कूल में 1000 से अधिक पद पर बहाली का रास्ता खुला है। सरकार के आदेश के तहत जिले में इस सत्र में अपग्रेड हाई स्कूल में नए शिक्षकों की बहाली की ही जाएगी। जिले में इस सत्र में 9वीं की कक्षा शुरू करने को लेकर 114, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, जिले में इस सत्र में 9वीं की कक्षा शुरू करने को लेकर 124 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। पुनः इसको सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर जिले के अपग्रेड हाई स्कूल में 1000 से अधिक पद पर बहाली का रास्ता खुला है। सरकार के आदेश के तहत जिले में इस सत्र में अपग्रेड हाई स्कूल में नए शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जिले में इस सत्र में 9वीं कक्षा शुरू करने को लेकर 124 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में चेंज किया गया है, अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा दो साल पहले अपग्रेड हुए 52 हाई स्कूल भी हैं जहां 9वीं की पढ़ाई शुरू हो रही है। हाई स्कूल विहीन पंचायतों को चिन्हित किया गया है। जिले में 124 स्कूलों को चिन्हित कर भवन निर्माण समेत अन्य संसाधन दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आगे की जानकारी इस प्रकार है कि डीपीओ स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि एक स्कूल में 5 पद की मंजूरी की गई है। ध्यान दीजिए, डीपीओ स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि एक स्कूल में 5 पद की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 5 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। इस सत्र में 124 स्कूल में 620 शिक्षकों की बहाली होगी। ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर जिला में 124 स्कूल में 620 शिक्षकों की बहाली होगी। 52 ऐसे स्कूल जो 2 साल पहले अपग्रेड तो हुए मगर उनमें नामांकन इस सत्र से होगा, वहाँ भी बहाली की प्रक्रिया विभाग के आदेशानुसार की जाएगी। विभाग के आदेश के बाद इन 52 स्कूलों में 260 पद सृजित होंगे। एक और है कि बॉक्स में जो दिया गया है कि मुख्य बिंदु जो है के रूप में कि प्रक्रिया शुरू, सरकार के आदेश के बाद अपग्रेड स्कूल में होंगे बहाली। और दूसरी मुख्य जो जानकारी है उसमें है कि जिला स्तर पर अपग्रेड स्कूलों की सूची भेजने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो रही है। इसके अलावा एक और बॉक्स में जानकारी है कि 9वीं कक्षा पढ़ाई शुरू करने पर आज होगी समीक्षा। ध्यान दीजिए, 9वीं में कक्षा पढ़ाई शुरू करने पर आज होगी समीक्षा। इस सत्र से जिन स्कूलों में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू होनी है और शिक्षकों की बहाली होनी है उसकी वर्तमान स्थिति को लेकर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की जाएगी। किस स्कूल का भवन निर्माण कितना हुआ इसे लेकर डीईओ से रिपोर्ट मांगी गई है। इस प्रकार जो है मुजफ्फरपुर जिला का जो है शिक्षक नियोजन संबंधित अपडेट जानकारी है। और भी कोई शिक्षक नियोजन संबंधित या बीएड डीएलएड सीटीईटी संबंधित आपको जानकारी चाहिए या उसके क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल अवश्य करें, तभी आपको लेटेस्ट जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर हम शिक्षक नियोजन से संबंधित ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 70 33 74 60 30 व्हाट्सएप नंबर से पर कमेंट करके इस शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से में जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।